हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्यूशल कमांड के हेल्प से किसी भी फाइल के करंट टाइम स्टैम्प को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में भी हमने टच कमांड को यूज़ किया था, जिससे हमने अपने जो भी फाइल थी उसको अपडेट किया था, उसके लिए टाइम स्टैम्प को अपडेट किया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये वाला सेशन भी है। उसमें हम बस एक स्टेप आगे की चीज़ देखने वाले हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि सपोज़ अगर आपको कभी कोई स्पेसिफिक टाइम सेट करना हो अपने जो भी आपकी फ़ाइल है उसके लिए, तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे कि ऐसे कौन से सिनेरियोज प्रोजेक्ट में हमें मिल सकते हैं जहाँ पर हमें इस तरह से अपने जो फाइल है उसके टाइम स्टैम्प को अपडेट करना हो। ठीक है, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट जब हमारे को क्लियर हो जाएगी, तो QHL कमांड स्क्रीन से कैसे उन कमांड को अपन यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, केस सेंसिटिविटी का क्या क्या डिफरेंस रहता है, ये समझने वाले हैं। और फिर लास्ट में जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में हम देखेंगे कि सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है CL प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको वर्क LNK कमांड से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क LNK। वर्क LNK क्या करेगा, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करेगा, जहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी है /home/Sharmit। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी पे अगर मैं नेविगेट करता हूँ, तो यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी और है जिसको ओपन करेंगे डेमो के लिए। तो ये 5 से TextSharmit को ओपन कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, /home/Sharmit/TextSharmit। ठीक है, ये डायरेक्टरी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, हम किसी भी एक फाइल का डेट देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे अगर हम abcd.txt देखते हैं, तो abcd.txt के अंदर अगर मैं यहाँ से पेज डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे लास्ट एक्सेस डेट टाइम अलग है, डेटा चेंज डेट टाइम, एट्रीब्यूट चेंज डेट टाइम, ये सब 3/28/24 है। ठीक है, अब सपोज इसकी जगह पे मुझे कुछ और बाय डिफॉल्ट सेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी नीड क्या होगी, सपोज कभी आपने आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और अब बाय मिस्टेक आपसे लास्ट एक्सेस डेट टाइम या डेटा चेंज डेट टाइम चेंज हो गया, आपने गलती से कमांड रन कर दिया टच, और उसकी वजह से गलती से आपसे वो डेट चेंज हो गई, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपनी लास्ट जो भी डेट थी उस पर वापस जा सकते हैं किसके थ्रू, टच कमांड की ही हेल्प से। उसमें फिर जो भी आपकी ओल्ड डेट थी आप उसको रीसेट कर सकते हो, है ना। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम जो भी हमारी लास्ट सेट डेट है उसके ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो आई थिंक रिक्वायरमेंट अब क्लियर है। अब हम इसी फाइल को यूज़ करेंगे और इसी फाइल के लिए टाइम वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ से करेंगे बैक करके, अब यहाँ पर लिखेंगे QSH। QSH क्या करेगा, QSHL कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देगा। ये हो गई हमारी QSHL कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन। इस जगह पे मैं एक कमांड यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ, उसी को फिर हम कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टच स्पेस -t स्पेस और यहाँ आ गया 2024 01 01 12 00। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी टाइम स्टैम्प हो गई। इसमें क्या क्या है, ईयर है, मंथ है, डे है, ऑफिस के बाद में टाइम है 12:00 टाइम है। ठीक है, अब इस फाइल की जगह पे हम हमारे फाइल का नेम देंगे जो है /home/Sharmit/TextSharmit/abcd.txt। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी डेट सेट कर दो 1st of January 2024 और टाइम सेट हो जाएगा 12:00। ठीक है, और ये चेंज किस में होगा, ये -t आपको लगाना है, -t के बाद में ही आप कस्टमाइज टाइम को सेट कर पाओगे इस फाइल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा /home/Sharmit/TextSharmit/abc.txt। तो ये क्या करेगा, इस लोकेशन के लिए इसको अपडेट कर देगा। यहाँ से करते हैं एंटर हमने कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ। तो यहाँ से हम जाएंगे वर्क LNK, पेज डाउन करके उस डायरेक्टरी को नेविगेट करेंगे जो है TextSharmit। यहाँ पे abcd.txt पे ऑप्शन 8 पेज डाउन। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अब यहाँ पे लास्ट एक्सेस डेट और लास्ट डेटा चेंज डेट टाइम जो है वो चेंज हो गया, और अपडेट क्या हुआ है, 1st of January 2024 12:00। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी डेट या टाइम को
मैन्युअली सेट करना हो। अभी हमने क्या किया, हमने एट्रीब्यूट चेंज नहीं किया, हमने मैन्युअली सेट किया इसको, ठीक है। इस वजह, और जब आप देखा होगा आपने, जब हम नॉर्मल टच कमांड यूज़ करते हैं तो उस केस में ये भी अपडेट हो जाता है, बट अभी हमने मैन्युअली किया इसलिए सिर्फ लास्ट एक्सेस डेट टाइम और डेटा चेंज डेट टाइम अपडेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं फिर से इसमें यही कमांड रन करके कुछ वैल्यूज चेंज करूँगा तो देखते हैं वहाँ पे चेंज आएगा क्या। यहाँ पे 12 की जगह कर देते हैं 1140, या 11, हाँ 1140 करते हैं और एंटर करते हैं। अब अगर मैं उसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ बैक करके, फिर से हम ओपन करेंगे वर्क LNK डायरेक्टरी पे। मूव किया, 5 ऑप्शन लिया, ABCD.txt पे ऑप्शन 8 लिया, पेज डाउन किया, तो यहाँ पे अब ये चेंज हो गया है और टाइम हो गया 11:40, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको डेट टाइम को कस्टमाइज सेट करना हो या कस्टमाइज डेट एंड टाइम सेट करना हो तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, टच कमांड यूज़ करोगे -t के साथ, ठीक है। लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर अपन कैपिटल टी लगाते हैं देखते क्या हुआ, तो इस केस में ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्मॉल टी ही पुट करना है तभी वो वर्क करेगा प्रॉपर। टच में आप चेंज कर सकते हो, अगर यहाँ पर टच में कैपिटल भी लिखता हूँ तो भी आई थिंक वो चल जाएगा, वो वर्क कर रहा है, बट आपको -t जो है वो एज इट इज देना होगा, ठीक है। और डेट टाइम का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, YYYY ईयर हो गया, फिर MM DD, और फिर लास्ट में HH और MM आर और मिनट। तो ये टोटल क्या है, आर सॉरी ईयर मंथ डे और आर और मिनट, ठीक है। और ये प्लस लोकेशन हो गई, जो भी आपको लोकेशन सेट करनी है वहाँ पे। अगर आप बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे फाइल यूज़ कर रहे हो तो सिंपल फाइल नेम भी लिख सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा फाइल का कंप्लीट पाथ को वहाँ पे रखो, ठीक है। तो ये तो क्या आई थिंक क्लियर आपको। अब फटाफट से देख लेते हैं कि अगर इसको सेम चीज़ को CL से एग्जीक्यूट करवाना होगा तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए अपन प्रोग्राम अभी कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं सी ठीक है, इस जगह पे करेंगे ऑप्शन 2। तो सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप लिखोगे कमांड, टाइप आ जाएगा स्टार कैर, लेंथ हो गई 256, स्टोरेज अपने आप वो ऑटो ले रहा है, और CSG वेयर में हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे इसको कर देते हैं चेंज। यहाँ से मैं इसको रिमूव करके जो कमांड हमने पेस्ट की है उसको यहाँ कॉपी की हुई है उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसको यहाँ से सेट करना होगा, ये हो गया, और यहाँ पे कर देंगे इसको क्लोज, ठीक है। टाइम में अभी यहाँ पे कर देते हैं 22 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोग्राम टू अपडेट टाइम स्टैम्प मैन्युअली, ठीक है। इसमें मैन्युअली हम कर रहे हैं इसलिए आ गया मैन्युअली, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, देखो ये प्लस अपने आप इसने ले लिया ब्रेक करने के लिए लाइन्स में कमांड को, वो ठीक है। उसको आपको एडिशनली कुछ नहीं लिखना, बस आप वो अपने F4 लेके कमांड लिखोगे वो अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा, और फिर strqsh से आपको उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे strqsh वेरिएबल आ गया कमांड, अब इसको यहाँ से करेंगे फाइल और कंपाइल, कॉल करेंगे, कॉल हो गया ये। तो इसको वेरीफाई करने के लिए फिर से जाएंगे वर्क एल एन के से ओपन हो जाएगा वर्क विद ऑब्जेक्ट कमांड लिंक, और यहाँ से नेविगेट करेंगे डायरेक्टरी टेक्सचर मेथ, और यहाँ पे जो ABCD.txt इसको 8 ऑप्शन से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आई थिंक, हाँ ये देखो 2:2 हो गया, यहाँ पे पहले ये 1:1 था तो ये चेंज हो गया, ठीक है। और टाइमिंग वही है क्योंकि इससे उसमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया था, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से कोई भी टाइम को सेट कर सकते हैं किसी भी लास्ट डेट या डेटा चेंज डेट और टाइम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और सेम चीज़ को अगर आपको CL से कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।